अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो प्लीज़ आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें वीडियो को। तो ये मैं आज पैंट कैप्री डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने बाकी शलवार जो है वो मैंने बना ली है, इसके जो पांच है वो मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरीके से ये डिज़ाइन बनाऊँगी। तो ये मैंने ज़िगज़ैग लेस ली है, मैं पहले इसको अटैच करूँगी और फिर जो नाप आपको मैं बताती हूँ कि तकरीबन जो नीचे कट किया हुआ है हमने 1.5 इंच छोड़कर मैं ऊपर इसको स्टिच करूँगी इस तरीके से। स्टिच करने के बाद फिर मैं जो नीचे मैंने कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ है उसको मैं ऐसे इसके ऊपर पलट दूंगी। ये मैंने जो लेस है ये मैंने सीधी साइड पे लगाई है, ताकि ये जब पलटेगी तो ये उल्टी साइड पे, जो ये सिलाई वाला कपड़ा ये उल्टी साइड पे आ जाएगा। आप चाहें तो आप ज़्यादा भी नीचे से कपड़ा छोड़ सकती हैं, वो थोड़ा चौड़ा पांचा बन जाएगा। तो मुझे इतना ही चाहिए था बारीक, तो इसलिए मैंने ये कम कपड़ा लिया है। तो इस तरीके से मैंने ये कंप्लीट कर लिया। अब मैं इसको ऐसे सीधा करके इस तरीके से ऐसे मोड़ दूंगी, ऐसे ये गुम सिलाई की तरह आ जाएगा और यहाँ पे ऊपर मैं इसकी सिलाई लगा दूंगी। कपड़े को बिल्कुल ऐसे सीधा करके आपने सिलाई लगानी है, ताकि इसमें रेप ना आए या चुन्नट वगैरह ना आए। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। इस ये लगाने के बाद अब हम यहाँ पे जो है पिंटेक्स डालेंगे। देखें इस तरीके से, ऐसे मैं यहाँ पे बारीक बारीक सिलाई लगाऊंगी। बिल्कुल बारीक, जो हाफ पैर से भी कम की जो सिलाई होती है मैंने वो लगाई है। एक और लगाऊंगी मैं, इस तरीके से ये लगेगी। जब ये प्रेस होगी तो ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी। तो ये जो दो पिंटेक्स मैंने डाली हैं और उसके ऊपर मैं ये गोटा पट्टी जो इजीली मिल जाती है मार्केट से, बाज़ार में किसी से भी आप ले सकती हैं, इतनी महंगी भी नहीं है ये। तो मैं ये एक लाइन में इसकी भी लगाऊंगी। सेम उतना ही मैं दरमियान में से वक्फ़ा यानी कि छोड़ रही हूँ जितना मैंने नीचे पिंटेक्स में छोड़ा है। तो ये भी मैंने लगा लिया। अब मैं दो पिंटेक्स और डालूँगी इसी तरह की बारीक। ऐसे ही मैं दो जो है इस तरह लगा के फिर मैं ऊपर ये गोटा पट्टी एक अटैच करूँगी। तो ये हमारा फैंसी
ड्रेस के जो कैप्रीज वगैरह होते हैं, हम इसको उसके ऊपर बना सकते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं ये। तो इसकी शर्ट जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बनाना मैं उसका आपको। सिंपल ही है, उसकी पाइपिंग वगैरह ये लगी है, तो उसकी मैं फुल जो स्टिच कैसे मैंने की वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और फुल जो सूट है वो भी मैं आपके साथ लास्ट में शेयर करूँगी। आज मैं उसकी कैपरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरीके से ये देखें, अब मैं ऊपर जो है दो बड़ी पिंटेक्स डालूँगी जो हाफ इंच की होती हैं, हाफ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा। तो ये पहने हुए बहुत प्यारा लगता है इस तरीके से। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मेरी वीडियो को लाजमी देखा करें ताकि आपको आइडिया हो जाए। और मैं बहुत से न्यू न्यू डिज़ाइन आप लोगों के लिए ही लेके आती हूँ, बहुत मेहनत से बना के आपके लिए लाती हूँ। तो प्लीज़ मुझे कमेंट से भी ज़रूर बता दिया करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती हैं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये है मेरा आज का जो कैप्री डिज़ाइन है, पेंट कैप्री। तो ये इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है, देखें बहुत ही सिंपल तरीके से ये फैंसी सूट के नीचे ये पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।